बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम रोशन शर्मा एंड पीएमआईएस के जो मैचेस अभी चल रहे हैं, एक ऐसी टीम से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मेंटालिटीज क्या रहती है। बिकॉज ये टीम, आप इसको एक प्रॉपरली अंडरडॉग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने अपना जलवा पहले भी कॉम्पिटिटिव में दिखा रखा है। हम बात कर रहे हैं हाइप की, HYP गेमिंग। मेरा सवाल रहेगा हैवॉक आपसे ये वाला, बिकॉज आप IGL हैं टीम के, क्लासिक मैचेस अलग होते हैं, प्रोफेशनल मैचेस अलग होते हैं, वहां पर आपकी टीम का डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं एंड आपकी टीम उन सब चीजों के लिए फॉर्म कैसे हुई, जो सारे का सारे यू नो क्लासिक से प्रोफेशनल की आपकी जर्नी रही है, वो कैसी जर्नी रही है? हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, हम लोग पहले यूट्यूबर हुआ करते थे, तो साथ दोस्त थे हम लोग। तो रचित नाम का हमारा फ्रेंड हुआ करता था पहले, उसने सबको पूछा हम लोग को के साथ में मिलके एक टीम बनाते हैं। PMIS 2019 के टाइम पे एक टूर्नामेंट आने वाला है उस टाइम पे, तो उसने हमको अप्रोच करा, हम लोगों ने बात करा एक दूसरे से। तो मैंने फॉक्सर और एपिक से पूछा, तो उन लोगों ने हाँ बोला, तो हम लोगों ने चारों ने मिलके टीम बनाई थी साथ में। फर्स्ट टूर्नामेंट हम खेले थे बैटल अड्डा नाम का, जो कि स्ट्रीमर टूर्नामेंट था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी डोमिनेट करा था। फर्स्ट टूर्नामेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा खेले थे हम लोग, वहाँ से हम लोग को लोग जानने लगे थे। उसके बाद हम लोग इंडिया सीरीज खेले, उसमें सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। उसके बाद काफी सारे टीम में चेंजेस हुए, मैं और रचित की जगह सोनिक आ गया। एक सवाल पूछना चाहूंगा, बेसिकली आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू फॉक्स सर एज ऑफ नाउ। तो जितनी टीम्स अभी के लिए रही हैं, तो आपने उन सब टीम्स को कितना अच्छे से स्टडी किया? बिकॉज जो नोन टीम्स जैसे TSM एंटिटी हो गई, ऑरेंज हो गई, उनके तो सबके ड्रॉप लोकेशन वगैरह सबको पता ही रहते हैं, बाकी जो न्यू टीम्स आई हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो आपकी टीम स्ट्रेटेजीज कैसे बिठाती है टीम्स के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए? वैसे तो हमारा प्ले स्टाइल हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे खेलते हम वैसे ही खेलेंगे, और हम दूसरे टीम को देखकर ये नहीं खेलेंगे कि वो अच्छी टीम है या बुरी टीम है, हम हमारा प्ले स्टाइल जैसे हम वैसे ही कंसिस्टेंट खेलेंगे। बिल्कुल, ये चीज आती हुई इम्पोर्टेंट भी रहती है। एंड सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी टीम जो आपको लगता है कि आपको एक बहुत अच्छी टक्कर दे रही है, आपको लगता है कि जो टीम आपके आपके साथ कांटे की एक टक्कर बन सकती है? मेगा स्टार्स से, क्योंकि मेगा स्टार्स का सैनोक का ड्रॉप पैराडाइज है और हमारा भी पैराडाइज ही है, और उनका भी मिरामार का ड्रॉप मूनते हैं और हमारा भी मूनते हैं, तो उनसे फाइट लेने में काफी मजा आएगा। बिल्कुल, काफी काफी ये चीज सही रहेगी। लेट्स होप कि अगर फाइट होती है, देखते हैं कि वहां पर आउटकम्स कैसे निकलते हैं। सो आउटकम से ही अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, सोनिक आपसे पूछना चाहूंगा, तो टीम HYP है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस PMIS 2020? सो ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग रहा है और हम आगे भी ट्राई करेंगे कि ऐसे ही परफॉर्मेंस दे सके। हम पहले भी टूर्नामेंट्स खेले थे जो हमें काफी एक्सपीरियंस दे के गए, और ये टूर्नामेंट भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। और ये टूर्नामेंट हमारे लिए मतलब अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम प्रूव कर सके अपने आप को, और हर अंडरडॉग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है सर। So coming back to the IGL once again, have a, मेरा आपसे एक सवाल वापस से रहेगा, playing against the pros, ये कैसी फीलिंग आपको देता है इस टाइम पर? Because वो उनमें से कुछ ऐसी टीम्स भी है जो अपने आपको ग्लोबल डोमिनेशन पर भी अपना झंडा गाड़ चुकी है, तो उनके अगेंस्ट कैसा लगता है? फीलिंग तो कुछ नहीं है प्रोस के अगेंस्ट खेलने में, क्योंकि वो भी अच्छे प्लेयर्स हैं और हमें अपने ऊपर विश्वास भी है कि हम खेल सकते हैं उनके अगेंस्ट। और वो लोग अपने आपको, कुछ टीम्स ऐसी है जो ग्लोबल लेवल में अपने आपको रिप्रेजेंट करके भी आई है, कुछ नई टीम्स भी हैं इस टूर्नामेंट में जिनके अगेंस्ट खेलने में काफी मजा आएगा, जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। और मोस्टली टीम्स जो है उनका गेम प्ले ज्यादातर टीम्स को पता है, क्योंकि वो लोग पहले से खेलते आ रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हमने उनको देखा भी है, तो काफी अच्छा चैलेंज रहेगा बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना। इफ देयर इज अ मैसेज जो आप देना चाहें आपके फैंस को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारा फैंस के, अपने फैंस के लिए एक मैसेज है, जो कि है कि भाई जैसा तक सपोर्ट करते आए हो वैसे ही सपोर्ट करना, हम अपने आप को आगे प्रूव करेंगे, जो मिस्टेक्स हुई है उन पर वर्क करेंगे, और जो नई अंडरडॉग टीम्स आना चाह रही है कॉम्पिटिटिव सीन्स में, उनके लिए एक मैसेज है कि होप मत छोड़ो, मेहनत करते आए हो करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। So all the best guys, all the best for PMIS 2020 and I hope we'll be seeing you out with the trophy.